नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज कहानी राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म दो रास्ते की है। दो रास्ते साल 1969 में बनी थी और इसका निर्देशन और निर्माण राज खोसला ने किया था। इसमें राजेश खन्ना जिम्मेदार बेटे और मुमताज उनकी प्रेमिका के रूप में हैं। बलराज साहनी और कामिनी कौशल के बड़े बेटे और उनकी पत्नी की भूमिका निभाते हैं प्रेम चोपड़ा और बिंदु। और ये गुप्ता परिवार की कहानी है। गुप्ता परिवार यानी कि श्रीमती गुप्ता, वीना, बड़ा बेटा नवेंद्र गुप्ता यानी कि बलराज साहनी, नवेंद्र की पत्नी माधवी यानी कि कामिनी कौशल, दूसरा बेटा बिरजू गुप्ता, तीसरा बेटा सत्येन गुप्ता यानी कि राजेश खन्ना, एक बेटी गीता कुमुद बोले जिसका किरदार निभाती हैं, और नवेंद्रू का बेटा राजू यानी कि जूनियर महमूद की पूरा परिवार है। और परिवार को बिरजू के लिए प्रसाद यानी कि आसित सेन और उनकी भाभी भागवंती यानी कि लीला मिश्रा से शादी का एक प्रस्ताव मिलता है और परिवार उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है। दुल्हन बनने वाली नीलू यानी कि बिंदु विदेश में रही हैं और उनका दृष्टिकोण गैर पारंपरिक है और ये गुप्ता परिवार के साथ पहली बैठक में वो जता भी देती हैं। श्रीमती गुप्ता इसको बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि नवेंद्र बाद में हालांकि उन्हें मना लेते हैं और शादी हो जाती है। नीलू की एक सुंदर और तेजस्वी बहन, छोटी बहन रीना यानी कि मुमताज हैं और वो भी सत्येन के समान कॉलेज में जाती है और दोनों गलतफहमी के बीच मिलते हैं और फाइनली दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। नवेंद्र ने एक साहूकार से बड़ी राशि का कर्ज ले रखा है और जब भुगतान करने का समय आता है तो नवेंद्र के पास पर्याप्त धन नहीं होता। बिरजू की पत्नी नवेंद्र से धन साझा करने से इनकार कर देती है। घर में गलतफहमी और झगड़े होते हैं। फाइनली नीलू और बिरजू अपने अलग घर पर चले जाते हैं और गुप्ता परिवार अपने लेनदारों को घर खो देता है, जबकि बिरजू और नीलू विलासिता का जीवन जीते हैं। उनके पास पैसा है, सारी शानो शौकत है, जो भी विलासिता के सामान होते हैं वो सारे मौजूद हैं। इसी बीच सत्येन ने अपनी प्रेमिका रीना के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन की उम्मीद छोड़ दी है और इन्हीं समस्याओं को परिवार कैसे हल करेगा ये इस फिल्म की खूबसूरती है। फिल्म में राजेश खन्ना, मुमताज, बलराज साहनी, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, जूनियर महमूद, बिंदु और लीला मिश्रा मुख्य भूमिका में हैं। और इस फिल्म की जो सबसे ख़ास बात है वो है इसका संगीत। इसके गाने आपको आज भी याद होंगे अगर मैं उनकी कुछ लाइनें कहूँ, मसलन छुप गए सारे नज़ारे या फिर ये रेशमी जुल्फें या मेरे नसीब में है दोस्त बिंदिया चमकेगी, ये बहुत मशहूर गाना है। और इस फिल्म में राज खोसला को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामित किया गया था, लेकिन इस फिल्म के लिए चंद्रकांत काकोडकर ने सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार फिल्म फेयर का अवार्ड हासिल किया था। और इस फिल्म के जो सबसे खूबसूरत बात इस फिल्म की कही जाती है वो है इस फिल्म का गीत, इस फिल्म का संगीत। ढेरों गीत है लेकिन आपको कौन सा गीत इस फिल्म का पसंद है वो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।